भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका पर जबरदस्त पलटवार किया है। जी हां, आपको बता दें कि यहां भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच जो कि केप टाउन में खेला जा रहा है वहां पर 46 रनों में 8 विकेट चटका दिए हैं। दरअसल साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने टॉस जीता और टॉस जीत कर किया यहां पर पहले बैटिंग का फैसला, और उनका फैसला पूरे तरीके से गलत साबित हुआ जब चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम को मोहम्मद सिराज ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराया। 2 रन एडन मार्करम ने बनाए, डीन एल्गर 15 गेंदों में 4 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बोल्ड हुए। टोनी डिजॉर्जी को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर सिराज ने पवेलियन भेजा। ट्रिस्टन स्टब्स को बुमराह ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा। इसके बाद मोहम्मद सिराज का जलवा देखने को मिला। डेविड बेडिंगम, काइल बेरिन, मार्को यानसेन को सीधा उन्होंने पवेलियन भेजा। इसके बाद मुकेश कुमार को यहां पर रोहित शर्मा ने गेंद थमाई और मुकेश कुमार ने केशव महाराज को पवेलियन भेजा, जिसकी बदौलत 20 ओवर में 46-8 है दक्षिण अफ्रीका का स्कोर। भारत ने आज एक बदलाव किया, शार्दुल ठाकुर की जगह मुकेश यादव को टीम में शामिल किया। मुकेश कुमार ने जबरदस्त अंदाज में अपनी गेंदबाजी भी दिखाई, लेकिन आज जलवा मियां मैजिक का देखने को मिला। दरअसल मोहम्मद सिराज ने 9 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 3 मैडन और 15 रन देकर 6 विकेट उन्होंने झटके। जसप्रीत बुमराह 6 ओवर 1 मैडन 16 रन 1 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 1 मैडन 10 रन कोई सफलता नहीं, मुकेश कुमार 1 ओवर 1 मैडन 0 रन और 1 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका पर पूरे तरीके से प्रहार किए हुए हैं। भारतीय टीम ने जिस तरीके से पहले सेशन में यहां पर गेंदबाजी की है वो काफी शानदार है। भारत के लिए पहले सेशन में 6 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने मोहम्मद सिराज, और जिस अंदाज से उन्होंने गेंदबाजी की वो वाकई में काबिले तारीफ अंदाज देखने को मिला। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।